तो दोस्तों, अगर आप मूवीज़ लवर हैं, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, लेटेस्ट मूवीज़, न्यू रिलीज मूवीज़ को देखना चाहते हैं, आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में फिल्म को देखना चाहते हैं, मूवीज़ को देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं बेस्ट मूवीज़ ऐप के बारे में बताऊँगा जिससे कि आप बहुत आसानी से मूवीज़ को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में ऑफिशियली मेथड से बताऊँगा कैसे आप कोई भी मूवीज़ को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी बेस्ट मूवीज़ ऐप के बारे में जानना है, टॉप एप्लीकेशन के बारे में जानना, जो एप्लीकेशन के मदद से आप कोई भी मूवीज को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों मैं बेस्ट फिल्म ऐप के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप मूवीज को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मूवीज लवर हैं, आपको मूवीज देखना पसंद है, लेटेस्ट मूवीज, न्यू रिलीज मूवीज को देखना चाहते हैं, आप मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आप अगर मूवीज को देखना पसंद करते हैं और मूवीज को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेटेस्ट मूवीज या ओल्ड मूवीज या न्यू रिलीज मूवी सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही अब देखिए OTT पे बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो आपको वेब सीरीज़ भी पसंद है, वेब सीरीज़ भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों मैं वीडियो में सारा तरीका बता दूँ कैसे आप न्यू रिलीज मूवीज़ को देख सकते हैं और साथ ही वेब सीरीज़ को भी देख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपको सारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे देखिएगा Z5, ये एप्लीकेशन का नाम है Z5। Z5 एप्लीकेशन को जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करिएगा, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे लगभग न्यू रिलीज मूवीज़ या ओल्ड मूवीज़ सारी लगभग मूवीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मूवीज़ आपको यहाँ पे जैसे ही मूवीज़ के ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको देख सकते हैं लेटेस्ट सारी मूवीज़ यहाँ पे अवेलेबल लगभग मिल ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, ठीक है, ये सब सारी मूवीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ यहाँ पे आते रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और प्रीमियम पे जाइएगा तो दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम वाला भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर प्रीमियम प्लान ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट वेब सीरीज़ प्लस मूवीज़ आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं 11/11 जो न्यू आई है, ताज वेब सीरीज़ आई है, मुर्शिद जो है वेब सीरीज़ आई है, ये लेटेस्ट ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब के लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा। इसका प्रीमियम कैसे लीजिएगा, तो बैक आके बाय प्लान है, बाय प्लान पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सारा प्राइस दिखाएगा कि आप 1199 रुपये में आप एक साल का प्रीमियम ले सकते हैं। अगर आपको 4K क्वालिटी में, फुल HD क्वालिटी में आपको देखना है, 4K क्वालिटी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल HD क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो 899 रुपये खर्च कीजिएगा, तो आप नॉर्मल HD क्वालिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक साल तक ये प्लान रहेगा, मतलब मात्र आप 899 रुपया खर्चा कीजिएगा और एक साल तक आप कोई भी मूवीज़ वेब सीरीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करना है आपको, MX Player सर्च करना है और MX Player एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों MX Player एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर शोज़ मिल जाएगा, मूवीज़ मिल जाएगी, यहाँ पर MX देसी है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मूवीज़ का ऑप्शन है। मूवीज़ पे भी यहाँ पे MX Player पे भी आपको बहुत ज़्यादा मूवीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पसंदीदा कोई ना कोई मूवीज़ होगी जो कि आपको देखने का मन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी मूवीज़ या वेब सीरीज बहुत ज़्यादा लॉन्च होते रहती है और साथ ही यहाँ पे अपलोड होते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शोज़ भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे शोज़ यहाँ पे देख सकते हैं, नमक यहाँ पे जो जो नाम है यहाँ पे देख लीजिएगा आसानी से। और यहाँ पे कोई भी शोज़ है, वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है, आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लोगो है, लोगो पे क्लिक करके, यहाँ सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके इसका भी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा दोस्तों। इसका मात्र 499 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो कि एक साल तक आप कोई भी मूवीज़ वेब सीरीज जो MX Player पर अवेलेबल है उसको देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड एप्लीकेशन जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे जियो सिनेमा एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेना। जियो सिनेमा एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ओपन कर लीजिएगा तो जियो सिनेमा एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत ज़्यादा मूवीज़ वेब सीरीज़ मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए फ्री मूवीज़ का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये फ्री मूवीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आप सारी मूवीज़ वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं और साथ ही मैच IPL ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन दिख रहा है गो प्रीमियम पे, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो 29 रुपये का प्लान है। 29 रुपये अगर खर्च कीजिएगा तो एक महीना तक आप यहाँ पे जियो सिनेमा से कोई भी मूवीज़ है, वेब सीरीज़ है और कोई भी शो जैसे कि बिग बॉस OTT भी जियो सिनेमा पे आता है तो वो उसका भी आनंद आप बहुत आसानी से ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लाइव देख सकते हैं बिना ऐड। तो दोस्तों ऐसे आप कोई भी मूवीज़ को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो ग्रीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।